वडोदरा में उतरते ही, बस से नीचे उतरते ही यार, पहले तो मैंने ड्राइवर से ये पूछा कि कहाँ पर खाना अच्छा मिलेगा, क्योंकि यार 5 घंटे का रास्ता तय करके इतनी ज़ोरों से भूख लगी थी। वडोदरा जितना कल्चरल है उतना ही शांत माना जाता है। अगर जूनागढ़ और राजकोट को छोड़ दें तो अगर मेरा कोई फेवरेट शहर मुझे पूछे तो ये है वडोदरा। बहुत ही प्यारा शहर है, लोग भी यहाँ के शांत हैं, लेकिन खाना कैसा है ये आज मुझे देखना है। तो ये है वडोदरा का पंडिया ब्रिज। पंडिया ब्रिज से नीचे उतरते ही आपको हर जगह पे ट्रेवल्स की ऑफिसेस ही देखने को मिलेगी। वैसे तो इस सफर का सबसे पहला मिशन हमारा फूड हंट का था और महाकाली के सेव उसल का काफी नाम भी सुन के रखा था। तो हमारा पहला मिशन था महाकाली सेव उसल को ढूंढना और उसका टेस्ट करना। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, सबसे पहले तो हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, उसके बाद हम पहुंचे यहाँ के बहुत ही प्रख्यात कीर्ति मंदिर पे। इसी परिसर में भगवान गुरुदत्तात्रेय महाराज का एक छोटा सा मंदिर है। तो हमने सोचा यहाँ आ ही चुके हैं तो क्यों ना दत्त महाराज के दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़े। भगवान गुरुदत्तात्रेय महाराज की चरण पादुका के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े अपने अगले मिशन की ओर। और वो मिशन क्या था वो तो आप बखूबी जानते ही हैं। यहाँ के कीर्ति स्तंभ के बरोबर नजदीक की एक छोटी सी गली में हमें आखिरकार मिल ही गई वडोदरा की सबसे पुरानी और फेमस दुकान महाकाली सेव उसल। पहले सेव वगैरह तैयार करके रखी लिया जाता है इस तरह से प्लेट्स में, और फिर उसमें ये वटाना की ग्रेवी और ये तैयार होती है। तो ये आ चुका है हमारा वडोदरा का फेमस महाकाली का सेव उसल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सेव के साथ इसमें रगड़ा मिक्स किया जाता है और ये हमारे साथ 3 पीस पाव के लिए जाते हैं, साथ में एक्स्ट्रा सेव एंड ये गार्लिक चटनी, ये करी जिसको बोलते हैं, इसके साथ ये ग्रीन चटनी मिली जाती है। अब ये भाई साहब ने हमें एक नई चीज़ दी है, ये सूप है, ये ऑनियन अदरक और दूसरे मसालों का ये सूप बना होता है। जब आपको लगे कि ये थोड़ा खाने के टाइम गाढ़ा हो चुका है, अब और ज़्यादा पाव के साथ खाना चाहते हैं तो इसमें सूप डाल सकते हैं, और आपको साथ में ये सेव भी एक्स्ट्रा दी जाती है। मतलब खाते जाइए जब तक आपका मन ना भरे। तो ये है सेव उसल, वडोदरा की फेमस चीज़। कभी भी वडोदरा में आइए तो आपका ये एड्रेस कौन सा कहा जाता है, ये कीर्ति स्तंभ के पास। ये वडोदरा का सेव उसल खाना मत भूलिएगा। खाने की शुरुआत करेंगे। आप चाहें तो ऐसे इसे सेव के साथ भी खा सकते हैं या फिर पाव के साथ भी। मेरे दिमाग में अब तक यही परसेप्शन था कि काठियावाड़ी लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं। बॉस, आई वुड लाइक टू से एक बार ये सेव उसल खा के देखिए, इसमें ये तरी ऐड करके देखिए, अब जो है आपके सारे परसेप्शन रॉन्ग साबित हो गए। फिर आनंद गुरु शूट लेना चालू थी। चीज़ मसाला से अब ये महाकाली से उस में एक दूसरी एक हमारी सामने वैरायटी पेश कर दी गई है। देखते तो डेफिनेटली लगता है ये चीज़ की आइटम है, लेकिन चीज़ को बहुत ही तिखास के साथ प्रेजेंट किया गया है। ये कुछ नई चीज़ है, भाई साहब बताएंगे क्या है। मसाला सेवी चीज़, इसमें रेड करी, ग्रीन मिर्ची, मसाला बना के मिक्स करके उसके ऊपर चीज़ मार के सेव करी। हल्का सा राजकोट में एक डिश है जिसे तीखा मोरा बोलते हैं, थोड़ा सा उसका फील देती है, जिसमें तीखा गाठिया और मोरा गाठिया मिक्स करके उसमें थोड़ी सी चटनी डाली जाती है, बाद में अलग अलग टाइप के फ्रूट्स डाले जाते हैं। ये उसका एक स्पाइसी एंड थोड़ा चीज़ी वर्जन है।
लेकिन टेस्ट में ये सेव उसल वाली भी फील देता है आपको। इस सेव सर का जायका लेने के बाद वडोदरा की और ज्यादा फूड आइटम्स को एक्सप्लोर करने की हमारी भूख बढ़ती गई और कोठी चार रस्ता के पास हमारा ध्यान गया लाला काका के भजिया की दुकान पर। '57 से डबोई के लाला काका ने यहां पर यह दुकान शुरू की थी। हालांकि डाकोर की गोटा और ये गोटा दोनों में काफ़ी अंतर है, इसके स्वाद में भी काफ़ी फर्क महसूस किया जा रहा था। इस भजिया की यूएसपी ये है कि ये भजिया अगर आप बिना प्याज और बिना चटनी के भी खाते हैं तो भी आपको इसका जायका बहुत ही पसंद आएगा। लाला का क्या बात है, एकदम गोल गोल। તો આ છે લાલા કાકાના ભજીયા, એકદમ ગરમા ગરમ ક્રિસ્પી, અને અહીંયા પણ દુકાનની વારે લાઈન લાગી છે લોકોની। અચ્છા, ભજીયાની સાથે તમે બીજું શું એડ કરો છો? ડુંગળી છે। ડુંગળી, વાવ, ડુંગળી છે મારી, મતલબ ડુંગળી જોડે સ્પેશિયલ લાગે છે। ડુંગળીની જોડે બાકી બીજી કોઈ બી ચટણી આપે ને તો નહીં ખાતા લોકો। તો યે હે લાલા કાકા કા ભજીયા। इस पकोड़े की, इस भजिए की खासियत यह है कि इसमें ना तो कोई चटनी दी जाती है, ना ही साथ में मिर्च दी जाती है। इसमें दी जाती है प्याज, और ये मसाले वाली प्याज, ये है लाला काका के भजिया की यूएसपी। वाओ, आई मीन अगर इसके साथ ऑनियन भी ना हो, चटनी भी ना हो और मिर्च भी ना हो, आई एम श्योर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये इतनी करारी, इतनी क्रिस्पी, और इसके अंदर स्वाद भी इतना बढ़िया आ रहा है अदरक के साथ। उड़द की दाल का टेस्ट भी उभर के आ रहा है इसमें। अगर आप समोसा के शौकीन हैं तो कोठी चार रास्ता पर लाला काका के भजिया की दुकान के नज़दीक में ही आपको मिल जाएगा वडोदरा का एक बहुत ही फेमस जायका, और वो है मनमोहन का समोसा। हालांकि उनके यहाँ पर इतनी छोटी सी दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ को देखकर हम दुकान में तो नहीं जा पाए, लेकिन हाँ, उसका जायका ज़रूर ले लिया। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद वडोदरा के भाईली वासना रोड पर हमें एक यूनिक चीज़ देखने को मिली। पूरे दिन की थकान के बाद मुझे ज़रूरत थी एक गर्मा गर्म चाय की, और ये चाय मुझे मिली इस राजपथ बिल्डिंग में। आइए देखते हैं इसकी यूनिकनेस क्या है। यहाँ का बैकग्राउंड और एम्बियंस हॉलीवुड और बॉलीवुड की थीम पर बेस्ड है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर जब तक आपकी चाय आपके टेबल पर नहीं हाजिर होती तब तक के लिए आप ये बुक्स पढ़कर अपना टाइम जो है सही तरीके से बिता सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए नॉवेल्स और मैगजीन्स नहीं, लेकिन आध्यात्मिक और कमर्शियल बुक्स भी दी जाती हैं। सो एक्चुअली वडोदरा में आने के बाद सबसे पहली कोई चीज़ मैं मिस कर रहा था राजकोट से यहाँ तक, तो वो थी चाय। एक अच्छी चाय मिल जाए, लेकिन सरप्राइज इस बात की मिल गई कि चाय के साथ साथ मनपसंद बुक्स भी मिल गई,
ऐसा कहाँ होता है कि आप चाय ढूंढ रहे हो और आपको स्मार्टफोन के ज़माने में थोड़ी सी फुर्सत में बुक मिल जाए। ये एक एक्सप्लोर कर दी है मैंने चीज़, जो जगह है वो भाईली वासला रोड पे है एंड हुड कैफ़े। हमारे साथ मिस विनीता, ये बोला कैफ़े इज़ द प्लेस जहाँ पे फुर्सत के कुछ पल आप बिता सकूँ विद एक कुल्हड़ की चाय, उसकी एक भीनी सी खुशबू और उसमें एक अच्छी सी किताब की महक। हाँ हाँ, इससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता है। क्या बात, मेरे खाने के स्वाद के संग आप जब एक किताब और एक अच्छी चाय और आपका पार्टनर कोई अच्छा आपके बाद बाजू में बैठा, क्या बात है। ये चाय के साथ बुक और साथ में फिलोसॉफी, ये तीन चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो चुकी है यहाँ पे। और अगर जो कोई बॉलीवुड लवर है या हॉलीवुड लवर है उनके लिए भी ये थीम जो है थोड़ा आई ग्रैबिंग रहेगा।